नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश श्वसन या सी2 साइकिल। प्रकाश श्वसन या सी2 साइकिल। अब कल हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, आज हम इसकी क्रिया विधि देखेंगे कि जो सी2 साइकिल है, सी2 साइकिल की क्रिया विधि। जो सी2 साइकिल होता है ना, या प्रकाश श्वसन आप जिसे बोलते हो, प्रकाश श्वसन है वो आपके क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, परोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में क्या होता है, संपन्न होता है। तो प्रकाश श्वसन या सी2 साइकिल तीन जगहों पर ये क्या होता है, चलता है। क्लोरोप्लास्ट में चलता है, परोक्सीसोम में चलता है और माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। तो प्रकाश श्वसन या सी2 साइकिल, सी2 चक्र कहां कहां पर, एक तो क्लोरोप्लास्ट, परोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों स्थानों पर संपन्न होता है। अब आप देखिए, मैंने अलग अलग क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, पेरोक्सीसोम में क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, यह मैंने बताया है कि सबसे पहले आप देखिए यहां पर जो 5 कार्बन युक्त, ये कितना है, 5 कार्बन युक्त RUBP राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। हम पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि 5 कार्बन युक्त RUBP किससे, किसके साथ में क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ये दो उत्पाद बनाएगा, 3PGA है ना, फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA और फास्फोग्लाइकेट, ये 3 कार्बन युक्त होता है, ये भी 3 कार्बन युक्त है, ये भी 3 कार्बन युक्त है। तो सर्वप्रथम क्या होता है, अब ये क्रिया हो कहां रही है, ये हो रही है आपके क्लोरोप्लास्ट में, ध्यान रखो कहां पर हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। तो सर्वप्रथम क्लोरोप्लास्ट में जो 5 कार्बन युक्त RUBP है यानी राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, क्रिया करता है और दो प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनते हैं, कौन कौन से, एक तो 3PGA एक उत्पाद तो यह बन गया, और एक उत्पाद बन जाएगा आपको फास्फोग्लाइकेट, ये दो उत्पाद बनेंगे कहां पर, क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक के अंदर ये सारी क्रिया हो रही है। कि सर्वप्रथम RUBP हमने, आपने पहले पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन को जो सबसे पहले ग्रहण करने वाला कौन होता है, RUBP, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। तो RUBP ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया की या उसको ग्रहण किया, दो उत्पाद बन जाएंगे है ना, 3PGA और फास्फोग्लाइकेट। अब फास्फोग्लाइकेट बन गया और 3PGA बन गया, अब क्या होगा, अब ये क्लोरोप्लास्ट में ही हो रहा है, अभी जो भी चीज चल रही है वो सब क्लोरोप्लास्ट में ही हो रहा है। कि जब फास्फोग्लाइकेट बना है, इसमें से एक फास्फेट निकल जाएगा, कम हो जाएगा, मैंने लिखा ना IP, मतलब एक फास्फेट क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो फास्फोग्लाइकेट में से जब एक फास्फेट निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलेट, क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलेट। कब बना है, कि जब RUBP ने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया की, दो उत्पाद बने, 3PGA बना और 3-फास्फोग्लाइकेट, 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लाइकेट बना और 3 कार्बन युक्त PGA बना। अब जो फास्फोग्लाइकेट बनाया है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसमें से एक फास्फेट क्या है, निकल जाएगा, ये निकल गया या उसकी कमी हो गई, तो जब एक फास्फेट कम हो जाएगा तो फास्फोग्लाइकेट है वो ग्लाइकोलेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे
फास्फोग्लाइकेट में से एक फास्फेट निकल जाएगा या कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फास्फोग्लाइकेट किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लाइकेट में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि फास्फो का मतलब क्या है, फास्फेट निकल गया तो क्या बच जाएगा, ग्लाइकेट। तो ये जो फास्फोग्लाइकेट है इसमें से एक फास्फेट जब निकल जाएगा तो ये फास्फोग्लाइकेट बदल गया, आपके ग्लाइकोलेट के अंदर चेंज हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो ग्लाइकोलेट बना है कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यह विसरण विधि द्वारा, किसके द्वारा, यहां लिख देता हूं मैं, विसरण विधि द्वारा ग्लाइकोलेट किसके अंदर प्रवेश करेगा, परऑक्सीसोम के अंदर, है ना। ये जो ग्लाइकोलेट बना है फास्फोग्लाइकेट से एक फास्फेट खोकर, तो ये जो ग्लाइकोलेट बना है, ये ग्लाइकोलेट अब विसरण विधि के द्वारा परऑक्सीसोम में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। अब ग्लाइकोलेट होगा यहां पर। अब ये जो ग्लाइकोलेट बना है विसरण विधि द्वारा परऑक्सीसोम में क्या करेगा, प्रवेश करेगा और किसके अंदर बदल जाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट और H2O2 में, है ना, ग्लाइऑक्सीलेट में और ग्लाइऑक्सीलेट प्लस H2O2 में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। है ना, यहां पर फास्फोग्लाइकेट है, एक फास्फेट खोया, ग्लाइकोलेट में बदला, ग्लाइकोलेट विसरण विधि द्वारा परऑक्सीसोम में प्रवेश करेगा और परऑक्सीसोम में ये जो ग्लाइकोलेट आया है विसरण विधि के द्वारा, ये ग्लाइऑक्सीलेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और परऑक्सीसोम में ही अब आगे क्या होगा, ग्लाइऑक्सीलेट है, दो कार्बन युक्त ग्लाइसिन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्लाइऑक्सीलेट अब ग्लाइसिन में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। ग्लाइसिन के अंदर क्या हुआ, ये ग्लाइसिन कितने कार्बन युक्त है, दो कार्बन युक्त ग्लाइसिन के अंदर चेंज हो गया। अब वापस ये जो ग्लाइसिन बना है कहां पर, परऑक्सीसोम में जो ग्लाइसिन बना है किससे बना है, ये ग्लाइऑक्सीलेट से बना है, ये ग्लाइसिन वापस विसरण विधि द्वारा किसमें प्रवेश करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेगा। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर रहा है, ये वाला हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया, यहां से लेके इतना हिस्सा परऑक्सीसोम और ये वाला हिस्सा कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट है। तो अब जो ग्लाइसिन बना है आपके परऑक्सीसोम में, अब ये ग्लाइसिन विसरण विधि के द्वारा किसमें प्रवेश करेगा, ये प्रवेश करेगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो
हमने यहां तक देख लिया है कि भाई ग्लाइसिन है वो वापस विसरण विधि के द्वारा किसमें माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा। तो ग्लाइसिन अब विसरण विधि द्वारा किसमें प्रवेश करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां ग्लाइसिन का क्या होगा डीकार्बोक्सीलीकरण होता है तथा क्या बनेगा सीरीन का निर्माण होता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, ठीक है। अब ये जो ग्लाइसिन बनी है वो कहां पर आ गई माइटोकॉन्ड्रिया में, आने के बाद में इसका डीकार्बोक्सिलीकरण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से क्या हो जाएगी निष्कासित हो जाएगी और ग्लाइसिन है अब किस में बदल गया सीरीन में। फिर देखो अब वापस क्या होगा, अब वापस ऊपर की ओर ये चक्र चलेगा, सीरीन है पुनः किसके अंदर, पहले तो ये चक्र इस प्रकार चल रहा था है ना, अब वापस ऊपर की ओर चलेगा, यहां पर सीरीन बन गई माइटोकॉन्ड्रिया में, अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो सीरीन बनी है वो वापस कहां पर प्रवेश करेगी, ये सीरीन इसने प्रवेश कर लिया देखो पेरोक्सिसोम में, ठीक है, और पेरोक्सिसोम में ये जो सीरीन आई है वो किस में बदल जाएगी ग्लिसरेट में बदल जाएगी, सीरीन अब पेरोक्सिसोम में प्रवेश करती है जहां यह किस में बदल जाएगी ग्लिसरेट में, अब वापस क्या होगा ग्लिसरेट क्या करेगा, ग्लिसरेट अब किसमें क्लोरोप्लास्ट में, प्रवेश करता है जहां देखो ग्लिसरेट कहां पर प्रवेश कर रहा है क्लोरोप्लास्ट में, जहां पर ही वापस किस में बदल जाएगा 3PGA में कन्वर्ट होने की क्या करेगा प्रयास करेगा, जहां ये PGA में यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित होने की कोशिश करेगा, साथ ही एटीपी है वो किस में बदल जाएगी एडीपी में, तो ये क्या है आपके प्रकाश श्वसन या C2 साइकिल चलता है। फिर से देखिए क्या हो रहा है यहां पर कि सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरित लवक के अंदर जो RUBP है राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट है वो ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा क्रिया करेगा, दो उत्पाद बनेंगे PGA और फास्फोग्लाइकेट, ठीक है। अब फास्फोग्लाइकेट बनने के बाद में फास्फोग्लाइकेट से एक जो फास्फेट है वो क्या हो जाएगा वो रिमूव हो जाएगा निकल जाएगा, जब एक फास्फेट निकल जाएगा तो फास्फोग्लाइकेट वो किस में बदल जाएगा ग्लाइकोलेट, ये क्या होता है दो कार्बन युक्त होता है, तभी तो इसका नाम क्या है प्रथम स्थायी उत्पाद ग्लाइकोलेट बनता है, इसीलिए इसको C2 साइकिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि पहला जो स्थायी उत्पाद बन रहा है इससे प्रकाश श्वसन में वो होता है दो कार्बन युक्त ग्लाइकोलेट, इसीलिए इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। तो जब दो उत्पाद बने PGA और फास्फोग्लाइकेट, इसमें से एक फास्फेट निकलेगा ग्लाइकोलेट बन जाएगा दो कार्बन युक्त है।
अभी जो ग्लाइकोलेट बना है ये अब क्या होगा, विसरण विधि के द्वारा किसमें, आपके परऑक्सीसोम में प्रवेश करेगा। विसरण विधि के द्वारा ये ग्लाइकोलेट इसने यहां पर प्रवेश कर लिया। देखो ये परऑक्सीसोम का ये पार्ट है। अब ग्लाइकोलेट ने जब परऑक्सीसोम में प्रवेश किया तो ग्लाइकोलेट अब किसमें, ग्लाइऑक्सीलेट और H2+ H2O2, इन दो के अंदर क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा या परिवर्तित हो जाएगा। ग्लाइऑक्सीलेट वापस तीन दो कार्बन युक्त किसमें, ग्लाइसिन में बदल जाएगा। और ये अब ये जो ग्लाइसिन है वो अब किसमें प्रवेश करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में विसरण विधि के द्वारा। यहां पर देखो ग्लाइसिन बन गई, ग्लाइसिन का अब डिकार्बोक्सिलीकरण होगा, साथ ही साथ यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का ये रिमूव हो जाएगी, निकल जाएगी, निष्कासित हो जाएगी। तो जो ग्लाइसिन है उसका कार्बोक्सीकरण होने से और कार्बन डाइऑक्साइड के निकल जाने से किसका निर्माण होता है, सीरीन का। ये सब कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो सीरीन बनी है वो अब वापस कहाँ जाएगी, परऑक्सीसोम में जाएगी। परऑक्सीसोम में जाने के बाद में जो सीरीन है वो ग्लिसरेट के अंदर चेंज हो जाती है और ये जो ग्लिसरेट बनी है ये अब वापस से क्लोरोप्लास्ट में प्रवेश करेगी और क्लोरोप्लास्ट में प्रवेश करने के बाद में ये ग्लिसरेट है पीजीए के अंदर परिवर्तित होने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। साथ ही साथ एटीपी का जो परिवर्तन है वो एडीपी के अंदर हो जाएगा। तो ये क्या है आपके, प्रकाश श्वसन या C2 साइकिल। अब देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो दर है या प्रकाश संश्लेषण होता है उसको बहुत से कारक हैं वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसलिए इन सब कारकों को दो भागों में बांट लिया गया है। एक जो कारक हैं, जो ये कारक हैं वो है आपके बाह्य कारक, और इन बाह्य कारकों को हम पर्यावरणीय कारक भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे जो बाह्य कारक हैं वो पर्यावरण में उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको पर्यावरणीय कारक भी हम इन्हें कहते हैं। और दूसरे हैं आपके आंतरिक कारक, ठीक है। तो इन दो कारकों को लेकर हम इसको पढ़ेंगे कि भाई प्रकाश संश्लेषण को ये दो कारक है, बाह्य कारक जिसे हम पर्यावरणीय कारक कहते हैं और आंतरिक कारक ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं। बाह्य कारक जो हम बाहर से हम देख सकते हैं, है ना, जो हमारे पर्यावरण में जो कारक उपस्थित हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला यदि हम बात करते हैं हम पर्यावरणीय कारकों की या बाह्य कारकों की, तो इसमें सबसे पहला और मुख्य आता है आपके प्रकाश। आप सबको विदित है कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण प्रकाश से बहुत अधिक क्या होता है, प्रभावित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो क्या, लाल क्षेत्र में सर्वाधिक वह नीले क्षेत्र में उससे कम होती है। यानी सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो किस में होगा, लाल क्षेत्र में होगा, ठीक है। हमने रेड ड्रॉप वाला वो पढ़ा भी था, लाल पत्तन वाला, तो ये लाल क्षेत्र में होता है और उससे कम किस में होता है, नीले क्षेत्र में होता है। लेकिन जो हरा क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण
बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण को कौन, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? हरित लवक कहां पाया जाता है? पत्तियों में। तो पत्तियों का रंग कैसा है? पत्तियों का स्वयं का रंग क्या है? हरा है। इसलिए जो पत्तियां हैं वो हरे रंग को अवशोषित नहीं करती है। वो क्या करेगी? हरे रंग को अवशोषित नहीं करेगी, क्योंकि पत्तियों का स्वयं का रंग, स्वयं का रंग क्या होता है? हरा होता है। इसलिए इसलिए वह हरे रंग को अवशोषित इसलिए वे हरे रंग को अवशोषित नहीं करती है ना। लाल क्षेत्र में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होगा, नीले रंग में उससे कम होगा, और हरे क्षेत्र में तो प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पत्तियों का स्वयं का रंग हरा होने के कारण पत्तियां क्या करेगी? प्रकाश को अवशोषित नहीं करेंगी। अब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा? उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तो प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। लेकिन देखो, हर चीज की क्या होती है? एक लिमिट होती है। हर चीज की क्या सीमा है? प्रकाश, तेज प्रकाश है, तेज अधिक मात्रा में प्रकाश मिल रहा है पादपों को, तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा तक, एक सीमा तक। बहुत अधिक प्रकाश की तीव्रता होने पर प्रकाश की तीव्रता होने पर क्या हो जाएगा? यदि एक सीमा तक प्रकाश मिल रहा है पत्तियों को, तब तक तो ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर बड़ी भी रहेगी, लेकिन उस सीमा को भी प्रकाश की तीव्रता क्रॉस कर जाती है, यानी प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो एक सीमा तक बहुत अधिक प्रकाश की तीव्रता होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी? घट जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ने के बजाय घट जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि तीव्र प्रकाश में, क्योंकि तीव्र प्रकाश में हरित लवक के जो अवयव हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। हरित लवक के अवयव नष्ट हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आत्पन कहते हैं, आत्पन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश पहला हमारा जो पर्यावरणीय कारक है या बाह्य कारक है, उसमें हमने देखा प्रकाश कि भाई प्रकाश संश्लेषण है वो प्रकाश से बहुत अधिक क्या होता है? प्रभावित रहता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, लाल क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, उससे कम नीले क्षेत्र में होगा, और हरे क्षेत्र में तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पत्तियों का स्वयं का रंग क्या होता है? हरा होता है। इसलिए जो हरी पत्तियां हैं, हरी पत्तियां हैं वो हरे रंग को अवशोषित ही नहीं करेंगी, है ना। इसलिए प्रकाश संश्लेषण हरे क्षेत्र में बिल्कुल नहीं होता, लाल क्षेत्र में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। फिर हमने देखा कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ेगा, मात्रा अधिक होगी, तीव्रता बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण
ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन एक सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक। जैसे ही उसने उस निश्चित सीमा को क्रॉस किया, उसके उसे उस सीमा से अधिक प्रकाश की तीव्रता हो गई, तो अब प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों क्यों घटेगी? क्योंकि अधिक तीव्र प्रकाश जब पत्तियों को मिलेगा तो पत्तियों में क्या होते हैं, हरित लवक क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वो हरित लवक के जो अवयव हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब अवयव ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर प्रकाश संश्लेषण करेगा कौन? तो तीव्र प्रकाश में अवयव, हरित लवक के अवयव नष्ट होने के कारण अब प्रकाश संश्लेषण की दर है वो बढ़ने के बजाय अब घटना शुरू हो जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, आत्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्पन कहते हैं। दूसरा है हमारा तापक्रम। देखिए, अलग अलग पादपों के लिए और अलग अलग स्थानों के लिए, अलग अलग पादपों या अलग अलग स्थानों पर उगने वाले पादपों के लिए जो तापमान का जो तापक्रम है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है। परंतु जो एक आदर्श तापमान माना गया है पादपों के लिए वो लगभग होता है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान को एक उचित तापमान माना गया है। इससे कम तापमान या इससे अधिक तापमान जब होगा तो क्या होगा, फिर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कम या अधिक होने पर, कम या अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा, घट जाता है। क्यों घट जाएगा? क्योंकि जब तापमान अधिक होगा तो जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम्स हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम एंजाइम वो क्या हो जाएंगे, नष्ट या विकृत हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि तापमान भी बहुत, जो प्रकाश है उसकी तीव्रता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक तीव्रता होगी तो क्या होगा, ये तापमान उस प्रकाश की तीव्रता से जुड़ा हुआ है ये वाला बिंदु, कि भाई तीव्रता अधिक होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो हरित लवक के अवयव क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये उसी से जुड़ा हुआ है कि पादपों के लिए उचित प्रकाश संश्लेषण के लिए 10 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य का जो तापमान है वो आदर्श तापमान माना गया। हालांकि अलग अलग स्थानों पर उगने वाले पादपों के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन ये टेम्परेचर है 10 से लेकर 35 के मध्य का जो तापमान है जहां कहीं भी पादपों के लिए, वो एक अच्छा तापमान माना गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इससे कम होगा तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और इससे अधिक होगा तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है क्यों, क्योंकि जब प्रकाश की तीव्र प्रकाश का तीव्रता अधिक होगी तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, 35 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा, 40-45 तक पहुंच जाएगा, और जब तापमान ज्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे, और जब वही नष्ट हो जाएंगे जो प्रकाश संश्लेषण को कंट्रोल कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया को संपन्न कर रहे हैं, तो फिर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। कि भाई हम सबने देखा है, पढ़ते आ रहे हैं हम शुरू से, कि पादपों को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग लेता है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो ये वातावरण को, पौधे क्या करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ग्रहण करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी क्या होती है, प्रभावित करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि सीमा से अधिक हो जाए, यानी ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सीमा से अधिक CO2 की मात्रा हो जाने से प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। क्यों घट जाती है, सीमा से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। क्यों घटेगी,
क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा अधिक हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, जो पत्तियों के जो रंध्र हैं, पत्तियों के जो रंध्र हैं, स्टोमेटा हैं, वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई, पत्तियों के रंध्र बंद हो गए, तो जब रंध्र बंद हो जाएंगे तो गैसों का क्या होगा, विनिमय नहीं होगा, गैसों का विनिमय नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं कर पाएंगे पौधे, और ऑक्सीजन को प्रदान नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब रंध्र बंद हो जाएंगे तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में मिलेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में मिलेगी तो फिर प्रकाश संश्लेषण की दर है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी तो रंध्र बंद होंगे, रंध्र बंद होंगे तो गैसों का विनिमय नहीं हो पाएगा। अब एक आता है आपके ऑक्सीजन की सांद्रता। देखो हमने पढ़ा था प्रकाश श्वसन के अंदर कि प्रकाश श्वसन कब होता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, है ना। तो जब ऑक्सीजन की सांद्रता किसके अधिक हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से ज्यादा हो जाए, यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो, कम हो। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से ज्यादा हो जाएगी तो फिर प्रकाश संश्लेषण तो कम हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण अवरुद्ध हो जाएगा। क्यों अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उस पोजीशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई तो अब उस पोजीशन के अंदर पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण ना करके क्या करेंगे, प्रकाश श्वसन करेंगे, जो अभी हमने पहले पढ़ाई है, प्रकाश श्वसन करेंगे। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो प्रकाश श्वसन है वो क्या होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण में अवरोधक के रूप में या संदमक के रूप में कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की गति को ये कम कर देते हैं, प्रकाश श्वसन। कब? जब ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से जब ज्यादा हो जाती है तब। अब है आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में पहला आ जाता है आपके पर्णहरित की मात्रा अधिक होगी तो प्रकाश संश्लेषण की मात्रा भी क्या हो जाएगी, दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा है संचित भोजन। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में कोशिकाओं में उत्पादों का क्या होता है, संचय होता है। जब कोशिकाओं के अंदर उत्पादों का संचय अधिक मात्रा में हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये संचित भोजन है। जब कोशिकाओं के अंदर संचित भोज्य पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तीसरा है आपके पत्ती की संरचना। आपको पता है कि भाई पत्ती में क्या होती है, पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, रंध्रों के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, है ना, रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यदि किसी पत्ती के अंदर, पत्ती बड़ी है, चौड़ी है, उसके अंदर रंध्रों की स्टोमेटा की संख्या ज्यादा है, रंध्र ज्यादा पास पास में है या अधिक समय तक खुले रहते हैं, एक तो रंध्रों का वितरण कि भाई किसी पत्ती में रंध्र कम है किसी में ज्यादा है, तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा, जिसके अंदर रंध्रों की संख्या अधिक है उसमें होगा। फिर कुछ पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र सिर्फ कुछ समय के लिए खुलते हैं, बाकी समय वो बंद रहते हैं, और अधिकांश पत्तियां ऐसी होती है जिनके अंदर रंध्र अधिक समय तक खुले रहते हैं और कुछ समय के लिए वो बंद होते हैं। तो जिन पत्तियों में रंध्रों की संख्या ज्यादा होगी, रंध्र पास पास होंगे, अधिक समय तक खुले हुए रहेंगे, उन पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, वो भी अधिक मात्रा में होगा। और इसके विपरीत जिन पत्तियों में रंध्रों की संख्या कम होगी, रंध्र अधिक समय तक बंद रहेंगे या रंध्र दूर दूर रहेंगे, तो उन पत्तियों में या उस प्रकार के पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की दर है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। अब है अगला है आपके ब्लेकमैन का सीमाकारी सिद्धांत। ब्लेकमैन का सीमाकारी सिद्धांत। ब्लेकमैन ने क्या बताया
कि ब्लेकमैन के अनुसार, ब्लेकमैन के अनुसार यदि कोई अभिक्रिया बहुत से कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो वह अभिक्रिया उस कारक से प्रभावित होगी जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित है। देखो, बड़ी अजीब सी बात है कि बहुत से कारक हैं, वो एक अभिक्रिया है उसको प्रभावित कर रहे हैं, बहुत से कारक हैं और उनका क्या है, कंट्रोल भी उस अभिक्रिया पर बहुत अधिक है, लेकिन उन्हीं कारकों में से कुछ कारक ऐसे हैं जो बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित हैं लेकिन वो अभिक्रिया को प्रभावित बहुत ज्यादा कर देंगे, है ना। बड़े बड़े कारकों के बीच में रहकर एक छोटा सा कारक और जो कि बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, वो क्या करता है, वो उस पूरी की पूरी अभिक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। तो ब्लेकमैन का यही सीमाकारी सिद्धांत है कि जब कोई अभिक्रिया बहुत से कारकों के द्वारा प्रभावित होती है तो वह अभिक्रिया उस कारक से सबसे ज्यादा प्रभावित होगी जो उस अभिक्रिया में सबसे कम मात्रा में क्या है, उपस्थित है। जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित है वही कारक उस अभिक्रिया को अन्य कारकों की अपेक्षा अधिक मात्रा में क्या करेगा, प्रभावित करेगा। यही ब्लेकमैन का सीमाकारी सिद्धांत कहलाता है। अब है आगे है आपका सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना, है ना। सेक्स के अनुसार किसी भी अभिक्रिया को प्रभावित करने के लिए तीन कारक मुख्य होते हैं। पहला कारक होता है न्यूनतम मान, है ना। न्यूनतम मान क्या होता है कि वह मान जिस पर कोई अभिक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है, वह मान जिसके लिए या वह मान जब अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए वो क्या होता है, जरूरी होता है, है ना। अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला मान, ठीक। दूसरा होता है आपके श्रेष्ठतम मान, वह मान जब अभिक्रिया किधर क्या होती है, सर्वाधिक हो जाती है वह श्रेष्ठतम मान कहलाता है। और तीसरा होता है आपके अधिकतम मान, यानी जिस मान पर अभिक्रिया रुक जाती है, यानी मान अभिक्रिया का इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो अभिक्रिया ही रुक जाएगी, सीमा से बाहर चला जाएगा जब मान, तो उसे हम अधिकतम मान कहते हैं। तो इन तीनों मानों को, न्यूनतम मान, श्रेष्ठतम मान, अधिकतम मान, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, सेक्स प्रधान बिंदु संकल्पना कहते हैं। तो सेक्स के अनुसार किसी भी अभिक्रिया को तीन कारक सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं, न्यूनतम मान यानी जिस मान पर कोई अभिक्रिया प्रारंभ होती है वो न्यूनतम मान, श्रेष्ठतम मान जिस मान पर किसी अभिक्रिया की दर है वो अधिक हो जाती है वो श्रेष्ठतम मान है, और अंतिम में अधिकतम मान जिस मान पर अभिक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो वो कहलाती है अधिकतम मान। तो ये है आपके सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना के तीन कारक। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए कोई नया वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें इस पार्ट के जो अगला चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, जो है श्वसन है। और तब तक के लिए धन्यवाद।